एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज की वीडियो होने वाली है एक प्रोडक्ट रिव्यू। और प्रोडक्ट जो है वो है प्लम के लिप बाम्स। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लम ने 4 वेरिएंट्स पे अपने लिप बाम्स लॉन्च किए थे। उनमें से मैंने बाय किया था प्लम का बबल यम लिप बाम और अब उसको अच्छे से यूज करने के बाद मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि किस तरह का वो प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों जो लिप्स हैं वो इतने ज्यादा चैप्ड हो रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने घर में मेरी बेटी के लिप्स इतने ज्यादा चैप्ड रहते हैं, जबकि मैं लिप बाम्स का बहुत यूज करती हूँ, तब भी थोड़ा सा ये हवाएं इतनी चल रही हैं, पता नहीं क्या कारण है लेकिन लिप्स बहुत ज्यादा चैप्ड हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह का वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ। तो ये आप पैकेजिंग देख सकते हैं, कितनी क्यूट पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आता है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, जानलेवा है और ये इस तरह के बॉक्स में आता है। इसकी प्राइसिंग है 295 रुपीज, जो कि आपको डिस्काउंट में जरूर मिल जाएगी। 2 साल आपको इसकी शेल्फ प्राइस मिलती है और इसमें आपको 12 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। अगर आप इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपका ये 1 ईयर तक चलेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, क्योंकि जो बायोटिक लिप बाम आता है, लिप व्हाइटनिंग लिप बाम, वो भी 12 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी में आता है, वो 1 साल तक आराम से चलता है। अगर आप लिप बाम लगाते हैं, मतलब आपको हैबिट है लिप बाम लगाने की और आप डेली यूज करते हैं, तो 1 ईयर आपका आराम से चलेगा। ये इतना बड़ा टब होता है और इसकी एक्चुअल पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। ये आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर की कितनी सुंदर पैकेजिंग है और ये बहुत ही सुंदर लिप बाम है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर इतना सुंदर बेबी पिंक कलर है, लिप बाम का भी कलर यही है। और ये टब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, आप कहीं भी इसको अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं। प्लास्टिक का टब है, कोई आपका अगर ज्यादा ही जोर से गिर जाए तो ही टूटेगा, बाकी ये कोई ऐसा ग्लास टब नहीं है कि आपका एकदम से टूट जाएगा। और बस इसमें मुझे एक ही चीज लगती है, ये जो टब लिप बाम्स होते हैं ना वो थोड़े हाइजीनिक नहीं होते हैं, आपको इनमें अपनी फिंगर पुट करनी होती है और देन आपको लिप बाम अप्लाई करना होता है, तो मेक श्योर कि आपके हैंड्स क्लीन हो। जो स्टिक वाले लिप बाम होते हैं ना वो ज्यादा हाइजीनिक लगते हैं मुझे। तो ये आप देख सकते हैं इसका कुछ कलर इस तरह का है, ये कुछ इस तरह से पिंक कलर का है और इसको मैं 5-7 बार मैंने इसको यूज किया था, तो मुझे लगा कि यार अभी मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा सा तो टाइम लगना चाहिए ना। तो जब मेरे होंठ ज्यादा चैप्ड हो गए तब मुझे लगा कि इसको ट्राई करके अब देखते हैं कि किस तरह का वर्क करता है। तो मैं आपको सही बताऊं तो 2-3 दिन में ही लिप्स को इस तरह से रिपेयर किया है ना इसने कि मतलब मैं इम्प्रेस हो गई हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में इसको शेयर करना चाहिए। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी ज्यादा अच्छी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है इसकी फ्रेग्रेंस। इसके अंदर आपको चॉकलेट मिल जाएगा, इसके अंदर आपको स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस भी मिल जाएगी, लेकिन आई एम श्योर कि आपको बबल गम बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो सच में बहुत रिफ्रेशिंग है। और ये बिल्कुल भी ना मुझे नहीं लगता कि कोई टिंट वगैरह देता है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं कोई टिंट नहीं आता है इससे, आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये। और ये चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है कि इसके अंदर कोई टिंट नहीं है, क्योंकि मुझे टिंट वाले लिप बाम ना पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि लिप्स पे इतने ज्यादा अगर हमें टिंट ही चाहिए तो हम लिपस्टिक लगाते ही हैं, टिंट वाले लिप बाम का कोई मुझे मतलब समझ में नहीं आता है। इसीलिए मुझे बायोटिक का जो लिप व्हाइटनिंग लिप बाम है ना वो लिप बाम बहुत अच्छा है, बट मैं उसको अब उसका यूज मैंने कम कर दिया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसके अंदर कलर है, जो लिप्स है ना वो बिल्कुल इतने रेड हो जाते हैं, तो वो मुझे चीज अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये लिप बाम मुझे नया मिला है तो मुझे काफी खुशी हो रही है कि यार एक लिप बाम ऐसा मिला है जो आपके लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट कर सकता है। और अगर आप टैनिंग की बात सोचें तो टैनिंग ये नहीं हटाएगा आपकी, ये सिर्फ आपके लिप्स को क्योर कर देगा, क्योंकि टैनिंग तो आपको सूरज से भी हो जाती है, आप जानते हैं अगर आप सन एक्सपोजर में निकलते हैं तो आपको टैनिंग होती है। आपको उसके लिए सन प्रोटेक्शन लिप बाम लगाना चाहिए, जो कि हिमालय का भी आता है, मैंने आपको दिखाया है, आप पाल्मर्स का भी यूज कर सकते हैं और देन आप भी लिपस्टिक यूज कीजिए तो आपको टैनिंग नहीं होगी। बट ये आपकी टैनिंग वगैरह तो रिमूव नहीं करेगा, लेकिन आपके होंठ अगर ज्यादा ड्राई हो गए हैं, ज्यादा चैप्ड हो गए हैं, तो ये उन चैप्ड लिप्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर यही था मेरा रिव्यू, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, आप कहीं से भी इसको बाय कर सकते हैं। इसके 4 वेरिएंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर यही था मेरा रिव्यू और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर आप कभी आप सोचे कि मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रही हूँ, नहीं, मैंने ये खुद ही परचेज किया है। आई थिंक मैंने आपको किसी अपने नायगा हॉल वगैरह में भी आपके साथ शेयर किया होगा कि मैंने इसको परचेज किया है। तो यही थी मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और आगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।